जस्टिन ट्रूडो की बड़ी घबराहट, कुर्सी पर खतरे की आहट। ट्रूडो सर्वे में हारे, खालिस्तान के सहारे। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी बचाने का फंडा, भारत विरोधी एजेंडा। लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की हालत इस समय कुछ ढीली होती जा रही है। भारत के खिलाफ ट्रूडो की साजिश बेकाम होती जा रही है। लेकिन मजा तो तब आया जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन को गेस्ट के रूप में आमंत्रित कर दिया। जेलेंस्की और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जब दोनों एक साथ दिखे तो कनाडा पीपल भड़क गए। दरअसल जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही है जब से जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। और यही वजह थी जब कनाडा प्राइम मिनिस्टर कनाडा की जनता को दिखे तो उनका स्वागत भी बड़े शानदार तरीके से किया गया। कनाडा प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती उस समय की गई जब यूक्रेन के राष्ट्रपति मौजूद थे। ये कहना उचित होगा कि जस्टिन ट्रूडो का राजनीतिक अंत बिल्कुल नजदीक है। कनाडा की सड़कों पर जस्टिन ट्रूडो और यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को अभद्र तरीके से बोला गया। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति को और बढ़िया नाश्ता मिल गया। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कनाडा की जनता जस्टिन ट्रूडो से कितनी नाराज है। जस्टिन ट्रूडो के देखने भर से उनका खून खोलने लग रहा था, अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा था। जस्टिन ट्रूडो एक आतंकवादी को कनाडा का नागरिक और एक प्लम्बर का काम करने वाला व्यक्ति बनाने चाहते थे। लेकिन कनाडा की जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं थी। कनाडा के नागरिकों को पता था कि कौन कैसा है और कौन उनके साथ गेम खेल रहा है। कनाडाई प्राइम मिनिस्टर वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में शायद राजनीति करना ही भूल जाएंगे। कनाडा के लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इन दोनों को ही धक्के मारकर देश से बाहर निकाल देना चाहिए। हरदीप सिंह निजर तो चला गया लेकिन जस्टिन ट्रूडो को अपने साथ लेकर जाने की पूरी फिराक में है। जस्टिन ट्रूडो हरदीप सिंह निजर की वजह से जरूर मुसीबत में आ गए हैं। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की हवा इस समय टाइट है ये हम आपको बता देते हैं।